माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत जय हिंद भारत माता के जय भारत माता के जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। ये तिरंगा यात्रा जो है इस वर्ष हमारा देश जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किया है। इस 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में पूरा भारत जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव की जानकारी जन जन के पास जाए, लोगों के पास जाए कि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं तो सभी को बताया जा रहा है कि इस तिरंगा को आप लहराएं और 3 दिनों तक सरकार के जो निर्देश हैं कि 3 दिनों तक जो है आप तिरंगा को अपने घर पर लगाए रखें ताकि आपके अंदर तिरंगा के प्रति सम्मान, राष्ट्रीयता, देशभक्ति सभी के अंदर आए। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आज जो है बच्चों के साथ बारून शहर में एक रैली निकालेंगे, तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश देंगे कि सभी लोग आज से ही अपने अपने घर के ऊपर जो है अपना तिरंगा लगा दें और 3 दिनों तक ये तिरंगा लगा रहना चाहिए। हमारे तिरंगा में 3 रंग हैं, इसलिए निर्देश भी है कि 3 दिनों तक आप तिरंगे को फहराते रहें ताकि सभी के अंदर राष्ट्रीयता और देशभक्ति आ सके। इन्हीं सारी उद्देश्यों को लेकर के किया जा रहा है। 3 दिन पहले से इसलिए कि हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं और हमारे जो 3 रंग हैं और अनादि सत्ताएं भी 3 होते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, जो अनादि सत्ताएं हैं। तो ये भी 3 का हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में आज तक 3 दिन तक फहराया नहीं गया है। नहीं, झंडा नहीं फहराया, तो झंडा फहराना नहीं है, ये झंडा फहराना तो 1 दिन ही है। झंडा भी सर पहले से 3 दिन पहले से नहीं लगाया। हाँ, ये इस वर्ष जो है अमृत महोत्सव है ना, उसका एक दिशा निर्देश होती है कि कितने दिनों तक। सरकार ने निर्णय लिए कि 3 दिनों तक ही ये करें, तो इसलिए 3 दिनों तक हम लोग लगाएंगे झंडा। अमृत महोत्सव नाम क्यों दिया गया? हाँ, अमृत का अर्थ ही होता है अमृत। अमृत का मतलब होता है अमर हो जाना। हम 75 वर्षों तक अमर हो गए। ऐसे मनुष्य की आयु जीवे में सरदा शतम 100 वर्षों की दी गई है, लेकिन आधुनिक काल में जितना पर्यावरण प्रदूषित हो गया, खान पान हमारा प्रदूषित हो गया, जिस कारण से अब आयु धीरे धीरे घटती जा रही है, इसलिए 75 वर्षों में ही अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसीलिए इसका 75वें वर्ष में इसको अमृत महोत्सव के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह के जय जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो।